नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पर्यावरण से भी रिलेटेड है और हिंदी से भी रिलेटेड है। तो कैसे, मैं आपको बता दूँ, आपने कभी जो है प्रसिद्धि पुस्तक जो है हिंदी की पढ़ी होगी, तो उसमें सबसे पीछे जहाँ पे क्वेश्चन दिए रहते हैं वहाँ पे एक कॉलम दिया रहता है यह भी जाने करके। तो उसमें काफ़ी जो है क्वेश्चन मिल रहे थे जो हिंदी से भी रिलेटेड थे और पर्यावरण से भी रिलेटेड थे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक। और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी इतने क्वेश्चन हैं जो आपके तैयार हो जाएंगे एक बार वीडियो देखने से। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है ब्यास सम्मान। ब्यास सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वो आप सभी लोग जानते हैं कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। राजेंद्र सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है और पर्यावरण में भी पूछा जा सकता है। ये राजेंद्र सम्मान दिया जाता है बिहार हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है और ये सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है बिहार का, याद रखिएगा। और दोस्तों अगला जो है वो आठ सिद्धियां कौन सी है, तो आप देख जान लीजिए जो आठ सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व। इसमें से कभी कभी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अणिमा क्या है, तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन कर लगा देंगे कि ये सिद्धि है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है इसमें। ये हिंदी में पूछा जा सकता है और पर्यावरण में भी पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि नौ निधियां कौन सी हैं, तो नौ निधियां कौन सी हैं जान लीजिए, पद्म महापद्म शंख मकर कच्छप मुकुंद कुंद नील और खर्व। याद रखिएगा, अगर मान लो पूछ ले कि नील क्या है तो आपको लगा देना है कि निधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनसिंग, आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये प्रसिद्धि पुस्तक में दिया हुआ था, इस वजह से मैं इसको लेके आया कि जो लोग ना जानते हो वो भी ये जान लें। राष्ट्रीय हिंदी सप्ताह कब मनाया जाता है, 14 सितंबर से, 14 सितंबर शायद विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, मैं कंफ्यूज, मुझे पता नहीं है, आप लोग बताइएगा। 14 से 20 सितंबर को प्रतिवर्ष जो है हिंदी सप्ताह मनाया जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं के लिए, यानी कि जो आठवीं अनुसूची में, संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को वो उसमें अंगीकृत किया गया है, तो वो 22 भाषाओं को लेते हुए अंग्रेजी में भी जो है ये गत 5 वर्षों में, जो 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाएं हैं उनके लिए दिया जाता है। पिछले 5 वर्षों की रचनाओं को जो है देखा जाता है और फिर प्रदान किया जाता है, याद रखना है आपको। 1955 में इसकी, इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वन महोत्सव दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 जुलाई। पर्यावरण दिवस आप सभी लोग जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है, वन महोत्सव दिवस याद कर लेना 28 जुलाई। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका 1 मिनट भी जाया नहीं जाएगा। अगला है गियर्सन पुरस्कार। गियर्सन पुरस्कार जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा गियर्सन पुरस्कार। सरस्वती सम्मान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचना, उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, सन 91 से दिया जा रहा है, याद रखिएगा। दोस्तों अगला जो पुरस्कार है वो है सरला सम्मान, ये उड़ीसा का पुरस्कार है, उड़ीसा साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है उड़िया साहित्य के लिए। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों अगला जो है वो है अनुच्छेद 343, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है कि जो संघ की भाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगी।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो नेशनल लाइब्रेरी, क्यू क्यू रूस में, याद रखिएगा रसिया में क्यू है, वहाँ सबसे बड़ा पुस्तकालय है। वृंदावन लाल वर्मा एक उपन्यासकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उसके लिए उनको जो है एक उपाधि दी गई थी, सर वाल्टर स्कॉट, याद रखिएगा वृंदावन लाल वर्मा को उपाधि दी गई थी सर वाल्टर स्कॉट। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी शंकर कुरुप को दिया गया था, आडा गुजई, ये मलयालम में लिखी गई थी, आडा गुजई जी शंकर कुरुप, याद रखना है आपको। पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी है? भ्रमण विधि, बच्चों को ले जाया जाता है और जिससे वो ज्यादा सीखते हैं। पर्यावरण अगर आ जाए प्रभावपूर्ण भी, तो आपको लगाना है भ्रमण विधि। शिक्षण के श्रव्य साधन, श्रव्य साधन जो सुने जाते हैं, रेडियो, फोनोग्राफ, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। पर्यावरण अध्ययन का सबसे सरल माध्यम कौन सा हो सकता है? चलचित्र, यानी किसी भी चीज का चित्र आप दिखा करके जो है बच्चों को बता सकते हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसमें जो है पर्यावरण का महत्व और पर्यावरण की सुरक्षा पे विशेष बल दिया गया है। और ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एगमार्क एक्ट भारत में वैधानिक कब किया गया? एगमार्क एक्ट 1937 को, याद रखिएगा दोस्तों। अगला जो सवाल है वो है टाइलर पुरस्कार, शायद पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, ये पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी के क्षेत्र में दिया जाता है और 2016 में पार्थ दास गुप्ता को दिया गया है, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंधित है। कभी कभी पूछ लेता है कि टाइलर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है जो है पर्यावरण से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। अगला है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी कहाँ पे है? राजस्थान जोधपुर में है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 साइनो कोबालामिन पाया जाता है, यानी कि उसमें विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। ये मैंने अपने विटामिन वाले वीडियो में भी आपको बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन थे? एडवर्ड जेनर, ठीक है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? क्रोड, मैंने आपको भूपर्पटी के बारे में पिछले वीडियो में बताया हुआ है, देख लीजिए अगर नहीं देखा पिछला वीडियो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, याद रखना है आपको। दादरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में लगता है, उत्तर प्रदेश में। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, मैं दिवस जितने भी अपने वीडियो में लेके आ रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है, याद रखना है आपको। हमारे जो पर्यावरण के जितने भी वीडियो हैं, सब में दिवस आपको मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है, गोदावरी, 1465 किलोमीटर। अगर भारत की पूछे तो गंगा नदी 2510 किलोमीटर, याद रखना है आपको, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी 2695 मीटर। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है, ये भारत और चीन के बीच जो है एक एक रास्ता खोलता है, सिक्किम में है, याद रखना है आपको। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आपको याद रखना है बैकॉल, ये साइबेरिया में है, साइबेरिया रूस में आता है, 1640 मीटर। तो इसकी गहराई जो है वो 1640 मीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 67(1) में दिया गया है महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में।
दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो नंदा देवी द्यूमंडल कहाँ है? उत्तराखंड में है। बुक्सा बाघ परियोजना ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ पे है? क्यू विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान क्यू है जो कि इंग्लैंड में है। 1769 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पे 40,000 से अधिक प्रजातियाँ पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है नॉर्वे में होती है, याद रखना है आपको। विश्व टाइगर दिवस अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे कब होता है? इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। WHO वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में आप डाउट हो या गलत हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना जो है 2 वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। मेरी कोशिश रहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करा सकूं, ठीक है? तो ये था जो क्वेश्चंस थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनको जो है लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा जिससे जो है आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।